আসসালামু আলাইকুম, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিডি টিউব ইনফোটেইনমেন্টের আজকের আয়োজনে। সাথে আছি আমি হাসানুর ইসলাম। কথায় আছে, বাড়ির গরু ঘরের ঘাস খায় না। কিছু বাংলাদেশের অবস্থাও ঠিক এমন হয়েছে। ভারতীয় মিডিয়া অভিযোগ এবং আফসোস করছে বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের আধিপত্য নিয়ে। বাংলাদেশের পোশাকশিল্প ভারতের পোশাকশিল্পকে ধ্বংস করে দিয়েছে। ভারত থেকে কাঁচামাল আমদানি করে কীভাবে বাংলাদেশ আবার ভারতের বাজারই দখল করছে, এ নিয়ে ভারতের সরকারের উপর ক্ষোভ প্রকাশ করছে তারা। হয়তো অনেকেই ভাবছেন বাংলাদেশের পোশাকশিল্প ভারতের বাজারে আধিপত্য বিস্তার করছে, এটা তো আমাদের জন্য গর্বের। তাহলে কেন আমরা ভিডিওটি শুরু করলাম বাড়ির গরু ঘরের ঘাস খায় না এই প্রবাদটি দ্বারা? আপনার এই প্রশ্নটির উত্তর পেয়ে যাবেন ভিডিওর শেষ অংশে। তার আগে আসুন দেখে আসি ভারতের মাটিতে বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের আধিপত্য ও সফলতা নিয়ে কী বলছে ভারতীয় মিডিয়া। অনুরোধ করছি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। चाइना के खिलाफ बांग्लादेश में भारत को एक काफी बड़ी जीत हासिल हो चुकी है और फाइनली बांग्लादेश गारमेंट इंडस्ट्री में अब जाके भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू कर चुका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गारमेंट एक्सपोर्ट्स के मामले में भले ही बांग्लादेश भारत को पीछे छोड़ चुका है, लेकिन अपनी गारमेंट इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल के लिए बांग्लादेश एक बड़े लेवल पे भारत पे ही डिपेंडेंट है। आपको बता दें कि बांग्लादेश भारतीय कॉटन का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। इसके बाद चाइना और वियतनाम भारतीय कॉटन का इंपोर्ट अपनी गारमेंट इंडस्ट्री के लिए करते हैं। लेकिन आज की खबर एक और ऐसे रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट को लेकर है जिसके मार्केट में भारत ने अभी अभी कदम रखा है। कॉटन से ज्यादा बांग्लादेश ऐसे रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता है जो मैनमेड फाइबर से बने हुए होते हैं। आज की डेट में बांग्लादेश के लिए चाइना इस फैब्रिक का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और बांग्लादेश अपनी कुल जरूरत का 67% मैनमेड फाइबर चाइना से इंपोर्ट करता है। लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच नए ट्रेड रूट्स खुलने की वजह से बांग्लादेश अब मैनमेड फाइबर यानी कि MMF का इंपोर्ट भारतीय मैन्युफैक्चरर से तेजी से बढ़ा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो मैनमेड फाइबर यानी कि MMF की प्रोडक्शन कॉस्ट चाइना के मुकाबले भारत में काफी कम है। इसके अलावा भारत से ऐसा फाइबर इंपोर्ट करने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी काफी कम पड़ती है। यही वजह है कि बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स अब MMF का इंपोर्ट चाइना से घटाकर भारत से बढ़ाना शुरू कर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो MMF के प्रोडक्शन को भारत में बढ़ाने के लिए सरकार ने 10,673 करोड़ रुपए की पेलाई जारी की थी, जिसमें 67 भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को चुना गया था। बांग्लादेश, वियतनाम और चाइना अगर आज गारमेंट एक्सपोर्ट में भारत से आगे निकले हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन भी मैनमेड फाइबर है। कॉटन गारमेंट से ज्यादा दुनिया भर में MMF गारमेंट्स की डिमांड बढ़ी है, इसलिए बांग्लादेश समेत सभी देशों ने कॉटन से ज्यादा MMF गारमेंट का प्रोडक्शन बढ़ाया, लेकिन भारत ने इस सेगमेंट पे ध्यान नहीं दिया। बांग्लादेश को चाइना से रॉ मटेरियल सोर्स करना इसलिए भी काफी महंगा पड़ता है क्योंकि दोनों ही देश एक दूसरे के साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते। बुरी बात यह है कि धीरे धीरे टेक्सटाइल को लेकर भारत एक नेट इम्पोर्टिंग देश बनता जा रहा है और ज्यादातर भारतीय टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स अपनी यूनिट्स बंद करके बांग्लादेश में प्रोडक्शन शुरू कर चुके हैं। आप डीकैथलॉन के भारत में स्थित किसी भी स्टोर पे चले जाइए, आपको कपड़ों से लेकर जूते मेड इन बांग्लादेश के टैग के साथ मिलेंगे और ऐसे ही कई स्टोर्स इम्पोर्टेड सामान बेच के भारतीय ग्राहकों से पैसा कमाते हैं। सब कुछ जानते हुए भी सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई एक्शन अभी तक नहीं देखने को मिला है। ভারতের শপিং মল এবং বিপণী বিতান থেকে শুরু করে ফ্যাশনের সব প্রোডাক্ট বাংলাদেশ থেকেই আমদানি হয়ে থাকে। 90-এর দশকের শুরুর দিকে একটা সময় ছিল যখন ভারত ছিল পৃথিবীর টেক্সটাইল কিং। ভারতের তৈরি বিভিন্ন পোশাক রপ্তানি হতো ইউরোপ, আমেরিকা সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। এখন পরিস্থিতি পাল্টে গিয়েছে, এখন উল্টো ভারত তাদের প্রয়োজনীয় সকল পোশাক বাংলাদেশ থেকেই আমদানি করে। ভারতের পুরনো সব পোশাক শিল্পগুলো ভারতে তাদের ব্যবসা গুটিয়ে বাংলাদেশে চলে এসেছে। বর্তমানে বাংলাদেশকে নিয়ে ভারতীয়দের মানসিক চিন্তাভাবনারও পরিবর্তন ঘটেছে। আগে ভারতীয় মিডিয়া এবং ভারতীয়রা বাংলাদেশকে দেখত একটা গরিব প্রতিবেশী দেশ হিসাবে, আজ তারা বাংলাদেশকে নিজেদের প্রতিযোগী হিসাবে দেখছে। অথচ কিছু কিছু বাংলাদেশের মাইন্ডসেট এখনও সেই আগের মতোই আছে। আমাদের মাঝে অনেকেই আছে যারা ভারতে যায় মার্কেট করতে, এমনকি এমনও মানুষ আছে যারা বাংলাদেশের শপিং মলে গিয়ে ভারতীয় পোশাক খোঁজে। হয়তো তারা জানেই না ভারত নিজেও বাংলাদেশের তৈরি পোশাক আমদানি করে থাকে। আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই, পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আজ। আল্লাহ হাফেজ।